10.3 रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आइए हम रासायनिक समीकरण को क्रमबद्ध तरीके से संतुलित करें। उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण इस प्रकार लिखते हैं, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। समीकरण 3। चरण 1, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। समीकरण 4। चरण 2, असंतुलित समीकरण 4 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। तत्व हाइड्रोजन, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर 2, उत्पादों के परमाणुओं की संख्या दाईं ओर 2। तत्व ऑक्सीजन, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर 2, उत्पादों के परमाणुओं की संख्या दाईं ओर 1। चरण 3, समीकरण 4 में बाईं ओर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है, जबकि दाईं ओर मात्र 1। अतः ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए उत्पाद पानी के अणु को 2 से गुणा करते हैं। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों और यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 2 से गुणा करके ट्वाइस H2O लिख सकते हैं, जबकि H2O2 नहीं लिख सकते। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस H2O। समीकरण 5। चरण 4, अब हाइड्रोजन परमाणु संतुलित नहीं है। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण 5 में हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए अभिकारक हाइड्रोजन अणु के लिए बाईं ओर 2 से गुणा करते हैं। समीकरण अब इस प्रकार होगा, ट्वाइस H2 प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस H2O। समीकरण 6। अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करते हैं। ट्वाइस H2 प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस H2O। संतुलित समीकरण। समीकरण 7। इसी तरह से आप दिए गए समीकरण को संतुलित कीजिए। Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। समीकरण 8। आइए कुछ और अभिक्रियाओं के उदाहरणों को लेकर समीकरण को संतुलित करना सीखें। N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3। समीकरण 9। चरण 1, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। ध्यान दें कि समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3। समीकरण 10। चरण 2, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। तत्व नाइट्रोजन, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर 2, उत्पाद के परमाणुओं की संख्या दाईं ओर 1। तत्व हाइड्रोजन, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर 2, उत्पाद के परमाणुओं की संख्या दाईं ओर 3। चरण 3,
समीकरण के बाईं ओर नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है, जबकि दाईं ओर मात्र 1। नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए उत्पाद अमोनिया के अणु को 2 से गुणा करते हैं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा, N2 प्लस H2 इज इक्वल टू ट्वाइस NH3। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण, समीकरण 11। चरण 4, हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए अभिकारक हाइड्रोजन अणु को 3 से गुणा करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए बाईं ओर 3 से गुणा करते हैं। समीकरण अब इस प्रकार होगा, N2 प्लस थ्राइस H2 इज इक्वल टू ट्वाइस NH3। समीकरण 12। अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गणना करते हैं। N2 प्लस थ्राइस H2 इज इक्वल टू ट्वाइस NH3। संतुलित समीकरण, समीकरण 13। समीकरण में दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को अनुमान विधि कहते हैं। इस विधि में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या में संतुलित करना आरंभ कर आवश्यकता अनुसार उसके गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं।